हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों को केदारकंठा का ट्रैक करना है तो उसे आप कैसे अपने बजट के अंदर कर सकते हैं। हर एक इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है और जब हमारा हर एक कदम हमारी हर एक सांस के साथ एक ही सपना देखता है तो मंजिल मिल ही जाती है। केदारकंठा। सो गाइस, फिलहाल मैं हूँ सांकरी विलेज में और केदारकंठा का ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको सांकरी विलेज पहुँचना होता है। तो अगर आप लोग दिल्ली या NCR कहीं से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून पहुँचना पड़ेगा। जैसे कि मेरा केस में मैं हल्द्वानी से आया हूँ, तो हल्द्वानी से आने के लिए देहरादून तक कई सारी बसेज अवेलेबल हैं, ट्रेन भी अवेलेबल है। अभी फिलहाल कोविड की वजह से ट्रेन चल नहीं रही है, तो बसेज में जो है जनरल बसेज जो है उनका टिकट 450 के आसपास रहता है और जो वॉल्वो भी वहाँ से चलती है 10:30 के आसपास, उसका टिकट अराउंड 1100-1200 के आसपास रहता है। तो अब देहरादून से जो है दोस्तों, देहरादून से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सीन है, उसे आप ध्यान से सुनिए कि अगर आप बस के थ्रू आ रहे हैं तो जो बस है वो आपको ISBT में बाहर मेन रोड पे छोड़ देगी। वहाँ से आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है चौक पे, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, शेयर्ड ऑटो भी मिलते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे दो तरह के ऑटो लगे रहते हैं। एक तो होता है कि आपको अगर शेयर्ड ऑटो में जाना है उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस में जो होता है 10 रुपये सवारी आपकी लगेगी। और अगर आपको जल्दी है तो आप प्राइवेट ऑटो भी ले सकते हैं, इसके 40 से 50 रुपये आपको लगभग वो लेंगे नाइट चार्ज के अकॉर्डिंग, बट 40 से 50 रुपये ज़्यादा नहीं लगते हैं। और यहाँ से सिर्फ 15 मिनट लगते हैं मसूरी बस अड्डे पहुँचने में और पूरी रात ऑटो चलते हैं, जो कि अच्छी बात है। जब आप मसूरी बस स्टैंड पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला कि आप सरकारी बस से आ सकते हैं रोडवेज बस से, और दूसरा कि आप प्राइवेट बस भी ले सकते हैं। उसके जस्ट बगल में ही प्राइवेट बस का भी एक बस स्टैंड है जहाँ से, लेकिन वो थोड़ा लेट चलती हैं। और तीसरा ऑप्शन भी ये हो सकता है कि अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो आप मिला के एक टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका रेट जो है अराउंड 5000-6000 के आसपास पड़ता है वहाँ से सांकरी विलेज के तक। अगर वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग है, जैसा जैसा सीज़न होगा, कई बार सीज़न में महंगा भी आता है, अगर आप थोड़ा ऑफ सीज़न आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। सो गाइस, मसूरी बस स्टैंड से जो मैं रोडवेज बस का ऑप्शन बता रहा था आपको, जिसमें मैं आया था, तो उसका टिकट जो है दोस्तों वो 375 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। मुझे 375 रुपये पड़ा और उस बस का क्या है दोस्तों कि वो आपको वहीं काउंटर से टिकट मिलता है, जिसकी बुकिंग जो है 7 से 7:30 के बीच में स्टार्ट हो जाती है और ये बस का जो टाइमिंग रहता है 8 बजे का रहता है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप वहाँ पहुँचते हो ना, आप चाय वाय पी के उसी जो काउंटर उसके सामने चेयर्स लगी हुई है वहाँ बैठ जाइए, बिकॉज जो यहाँ आने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है, बिकॉज ये आपको पता है सांकरी एक ट्रैकिंग हब है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से आते हैं देहरादून से। तो अब जब यहां आप आते हो तो अब यहां रहना कहां है? रहने के लिए दोस्तों, अगर आप पहले से बुकिंग करा के आ रहे हैं तो आप कोई भी होम स्टे की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ बुकिंग करा के नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ किसी भी जगह एक्सप्लोर करिए, लोगों से पूछिए, बहुत लोग यहाँ पे हेल्पफुल हैं, किसी भी लोकल से पूछेंगे आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो होम स्टे है वो अराउंड 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा पर डे का, पर एक बंदे का, जिसमें आपको खाना पीना इंक्लूडेड रहता है। और दोस्तों, मैं बेटर ये बोलूँगा कि अगर आप आ रहे हो सीज़न के टाइम पे तो आप होम स्टे की पहले से बुकिंग करा सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम जब कल रात को यहाँ पर आए थे तो काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको नहीं मिल पा रहा था होम स्टे, तो काफ़ी रात तक उन्होंने ढूंढा गाँव में, तो कहीं जाके उनको कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो इसीलिए बेटर कि अगर आप सीज़न बेस टाइम पर आ रहे हो तो आप पहले से ही बुकिंग करा के आएँ। सो भाई, ये तो होगी बात रहने की, अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग की। इस ट्रैकिंग का क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैकिंग कराते हैं, बल्कि हर एक होम स्टे जहाँ पे आप रुके होंगे हर एक बंदा के पास कोई ना कोई गाइड अवेलेबल रहता है और इक्विपमेंट अवेलेबल रहते हैं जो ऑलरेडी ट्रैकिंग करा रहे होते हैं। तो आपको ऐसी घबराने की बात नहीं, आप यहाँ पे आइए, जिस होम स्टे पे आप रह रहे हैं उनसे बात कीजिए। और जो यहाँ पे बजट होता है ट्रैकिंग का, वो अराउंड ऐसा रहता है कि अगर आप अकेले हो तो आपको किसी ग्रुप के साथ वो इन्वॉल्व कर देंगे, उसमें वो आपको तकरीबन 4000 से 5000 रुपये चार्ज करेंगे, जिसमें आपको सारा कुछ इक्विपमेंट और आपका खाना पीना 3 दिन का जब भी आप ट्रैक में रहोगे वो, और होम स्टे का चार्ज भी इंक्लूडेड रहता है। तो अगर आप इसको और रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपने खुद से अपने इक्विपमेंट लेके आ सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि स्टिक हो गया, बूट्स हो गए, और आपकी जैकेट हो गई, ग्लव्स हो गए, और पोंचो हो गया, और स्पाइक्स तो वगैरह शायद बहुत कम लोग रखते हैं क्योंकि जो बर्फ़ में चलने के लिए काम आते हैं वो, और प्लस गटर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे अगर आप अपने खुद के लाते हैं तो उसमें आपका चार्ज थोड़ा और कम पड़ेगा। और अगर आप चाहें, आपको ऐसा लग रहा है कि यह होम स्टे वाला ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप जाके मार्केट से भी उन्हें रेंट पर लेके आ सकते हैं, जैसे कि आपने
आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी मार्केट में क्या रेट लगता है लगभग। तो बेटर मेरे मैं तो यही बोलूँगा जिस होम स्टे में आप रह रहे हैं वहीं से डील कर लीजिए। आप उनसे बोलिए कि हमको सारा कुछ आप भी प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ चीज़ें आप लेके आइए। मेरे केस में जैसे मैं बूट्स वगैरह, जैकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ ऑलरेडी, सनग्लासेस वगैरह सारी चीज़ें। बट दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप अकेले हो तो एक ये रहता है कि अकेले में, क्योंकि अकेले तो बहुत महंगा पड़ता है, तो जिस होम स्टे पर हो आप वो अगर आपको किसी ग्रुप के साथ सेटल कर दे तो आपको सस्ता पड़ेगा। बट अगर ऐसा है कि उस टाइम पर उनके पास कोई ग्रुप नहीं है तो हो सकता है कि आपको किसी और होम स्टे से कॉन्टैक्ट करके, उन्हीं के थ्रू इंटरनली कॉन्टैक्ट करके किसी और में एडजस्ट होना पड़ेगा, या फिर वेट करना पड़ेगा कि उनका नेक्स्ट ग्रुप कब जाता है। सो गाइस, जो दूसरा ऑप्शन है इस ट्रैक को और भी सस्ता बनाने का वो ये है कि आप अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आइए जो कि और लोग भी केदारकंठा का ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह। तो आप खुद एक ग्रुप में आइए जिसमें कि 5-6 लोग अगर आप होंगे तो आपका खुद का ग्रुप बन जाएगा और आपको इंडिविजुअली वो और भी सस्ता पड़ जाएगा। सो गाइस, इसी तरह से आप जो अपना केदारकंठा का ट्रैक है वो अपने बजट के अंदर कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया आपको वो लगभग आप 5,000 के आसपास इसको आराम से कर सकते हैं अगर आप खुद से कर रहे हैं। और हो सकता है अगर आप यू नो और भी अच्छी बार्गेनिंग कर ले या फिर ग्रुप में हो तो वो आपको 4,000 के आसपास भी पड़ सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी सजेशन हो आपके तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, क्या मैंने यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर किया या विलेजेस एक्सप्लोर किया, जो मैंने ट्रैक किया उसकी वीडियोस, उसका लिंक आपको पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।